हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाई फाइ स्टेट डॉट कॉम वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल कॉम्पिटिव एग्जाम प्रेजेंस डेली द हिंदू वो कैबरी पावर्ड बाई वो कैप ट्वेंटी फोर ऐप सो फ्रेंड्स आज आप लोगों के लिए लास्ट डे हैं जहाँ पर आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारी ए टू जेड वो कैप वीडियो पेन ड्राइव कोर्स टेन परसेंट ऑफ के साथ में सो so आप कोपन कोड यूज कर सकते हैं वो कैप ट्वेंटी फोर जहाँ आपको मिल गया टेन परसेंट ऑफ ये बहुत ही इफिशियट पेन ड्राइव कोर्स है फ्रेंड्स इससे बहुत स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिला है और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है तो फ्रेंड्स इस ऑफर को ग्रैप करिए और अभी ऑर्डर करिए टेन परसेंट ऑफ पर हमारा ए टू जेड वो कैप वीडियो ड्राइव कोर्स आप विजिट कर सकते हैं वाई फाई स्टेट डॉट कॉम स्लैश पेनड्राइव पर या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ आपको मिलेगी फ्री होम डिलीवरी और अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर आपको कॉल uh, करना है तो आप इस नंबर को यूज़ कर सकते हैं जैसा सेवन जीरो टू डबल थ्री डबल थ्री सिक्स सेवन फाइव सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द डे दैट इज द सैवेजरी द मीनिंग ऑफ द दैवेजरी इज द क्वालिटी ऑफ बींग फ्रेंड्स और क्रूअल एंड एक्सपॉर्ड इन्वॉल्विंग ब्रूटेलिटी एंड विशियसनेस क्रूरता तो अगर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है क्रूरता हो रही है तो उसको अपन बोलते हैं सैवेजरी नाउन लेट दिनानम्स दैट इज ब्रूटेलिटी फिर फ्रिंसनेस वायलेंस विशियसनेस क्रुअल्टी या फिर बाबरिटी नाउलेट्स दैट इज लव एप्रिशन या फिर रेस्पेक्ट सो फ्रेंड्स यहाँ पे फिरोसिटी, विशियसनेस और ये बाबरेटी ये तीन वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स पेपर में कई बार रिपीट होते हैं और तीनों का आपका ध्यान रखना है कि ये किससे रिलेटेड है सैवेजरी से रिलेटेड है जिसका मतलब है क्रूरता तो किसी के ऊपर क्रूल होना और बहुत बुरा करना किसी का उसको अपन बोलते हैं सैवेजरी नाउ लेट्स सी द एंटेनम्स लव एप्रिसिएशन एंड रेस्पेक्ट सी द एग्जाम्पल जज वाटसन हैंडेड द डिफेंडेंट्स द मैक्सिमम सेंटेंस अंडर वर्जीनिया लॉ ड्यू टू द सैवेजरी ऑफ द क्राइम तो जो जज थे वाटसन उन्होंने मैक्सिमम सेंटेंस दिया क्रिमिनल को वर्जिनल लॉ के तहत क्योंकि उन्होंने क्रूरता क्राइम करी थी और वो बहुत ही क्रूर क्राइम था अब देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड सेविज यानी कि बर्बरतापूर्ण सेविजली क्रूरतापूर्वक या फिर सेविजनेस यानी कि क्रूरता ओके तो आप समझ गए होंगे यहाँ से कि सैवेजरी का मतलब क्या है क्रूरता अब देखते हैं इसकी ट्रिक कई बार जेरी टॉम पे सैवेजरी करता था तो, तो आपने बचपन में फ्रेंड्स हमेशा देखा होगा टॉम एंड जेरी तो कई बार टॉम जेरी पे सैवेजरी करता था कभी जेरी भी टॉम के ऊपर सैवेजरी करता था ओके okay? तो इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं देखिए यहाँ पे जेरी आ रहा है कि कई बार जेरी टॉम पे सैवेजरी करता था तो देखिए जेरी जेरी तो इस तरीके से आप इसको एक दो बार भी अगर इसको रिवाइज करेंगे बोलेंगे तो आप इसको ईजीली याद कर लेंगे हमेशा के लिए कि सैवेजरी का मतलब क्या है क्रूरता है तो कई बार जेरी टॉम पे सैवेजरी करता था ओके okay? तो इस तरह से सैवेजरी का मतलब आप याद कर सकते हैं जिसका मतलब है क्रूरता अब देखते हैं अगला एंडेबर एंड अटैम्प टू अचीव ए गोल तो प्रयत्न करना ट्राई करते रहना जब तक हार्ड नहीं मानना ओके इफ यू आर ट्राइंग कीप ऑन ट्राइंग टू अचीव यूर गोल दैन दैट थिंग इज नोन इज द एंडेबर सेम ऑफ दिस वर्ड इज एफर्ट ट्राई कंडीशन एंड अटैम्प एंटीनम ऑफ दिस वर्ड इज आइडियलनेस पैसिविटी या फिर इन एक्टिविटी Now, let's see the example. The council approved a city-wide एंड to conserve water by planting drought-tolerant plants. यानी कि council क्या कर रही है Approve कर दिया है city के अंदर और वो प्रयत्न कर रही है water conserve करने का by planting जो drought-tolerant plants हैं यानी कि जो सूखा बर्दाश्त कर सकते हैं वैसे plant लगा के पानी को conserve कर रही है और ऐसा करने का प्रयत्न कर रही है अब देखते हैं इसकी वर्क फॉर्म्स एंडावर एंड एन एंडावर्ड और उसके रिलेटेड वर्ड है एंडावर जिसका मतलब है प्रयत्न करना ओके okay, अब देखते हैं इसकी ट्रिक बहुत ही आसान ट्रिक है यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए एंड तक एंडेवर करूंगा तो यूपीएससी एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम एसएससी बैंकिंग कोई भी एग्जाम जो आप दे रहे हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या करूंगा एंड तक एंडेवर करूंगा एंड और एंड देखिए तो एंड का मतलब यहाँ पर एंडेवर का मतलब क्या है प्रयत्न करना तो एंड तक प्रयत्न करूंगा ओके कि यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए एंड तक एंडेवर करूंगा यानी कि प्रयत्न करूंगा तो एंडेवर का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स एंड अटैम्प टू अचीव अ गोल प्रयत्न करना ट्राई करना उसको अपन बोलते हैं एंडेवर नाउ लेट्स सी अनदर वन कंफाउंड कॉज सरप्राइज और कन्फ्यूजन इन सम वन स्पेशली बाय नॉट अकॉर्डिंग विद देयर एक्सपेक्टेशन तो किसी को गलत साबित करना हक्का बक्का करना किसी को सरप्राइज दे देना उसको अपन बोलते हैं कंफाउंड नाउ लेट्स कन्फाउंड नॉनसिनासीना नम्स अस्टोनिश स्टैगर सरप्राइज स्टार्टल स्टन एंड स्टूपीफाई और उसके एंटीन से कन्फर्म क्लैरिफाई मीट एक्सपेक्टेशन नाउले द एग्जाम्पल द पर्पज ऑफ द आर्टिकल इज नॉट टू कन्फर्म द रीडर बट टू इन्फॉर्म दैम तो ये जो यानी कि जो पर्पज है आर्टिकल का वो क्या है सरप्राइज देना या फिर कन्फ्यूज करना नहीं है रीडर को उनको इन्फॉर्मेशन देना है अब देखते हैं इसकी वर्क फॉर्म कन्फर्म कन्फाउंडेड एंड कन्फाउंडेड और उसके रिलेटेड वर्ड है कन्फाउंडलीनि कि भचक्का होकर किसी को बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज कर देना अब देखिए इसको ट्रिक ये मूवी आपने फ्रेंड्स कई बार देखी होगी अपना सपना मनी मनी ओके तो इसमें बहुत ज़्यादा आ, फनी कैरेक्टर है सुनील शेट्टी का तो देखिए कौन को फाउंड करके इस इंस्पेक्टर ने सबको कन्फाउंड किया तो देखिए कौन यानी कि चोर चोर को फाउंड करके पता करके इस इंस्पेक्टर इस ने सबको कैसा कर दिया कन्फाउंड कर दिया यानी कि सबको गलत साबित कर दिया कि ये टैलेंटेड नहीं है तो इस तरीके से आप इसको कन देखिए कौन भी आ रहा है और फाउंड भी आ रहा है तो कन्फाउंड यानी कि किसी को सरप्राइज दे देना सबको हक्का बक्का कर देना तो इस तरीके से आप इसको इजिली याद कर सकते हैं कि कौन को फाउंड करके इस इंस्पेक्टर इस ने सबको कन्फाउंड कर दिया ओके और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और वीडियोस और कंटेंट प्रोवाइड कर सकें आपके अपकमिंग पेपर के लिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला विल्ट लूज स्ट्रेंथ टू तो ड्रूप और बिकेम limp एंड सॉफ्ट तो फ्रेंड्स कोई भी चीज बहुत सॉफ्ट हो जाना ओके उसको अपन बोलते हैं लूज हो जाना उसको अपन बोलते हैं विल्ट इसके सेनानम्स से, हैं डिमनिश डिविटल एब fade एंड weaken और उसके एंटीनम्स हैं डेवलप स्ट्रेंथन ग्रो एंड राइज आप देखते हैं इसका एग्जाम्पल वी वरिड दैट द लॉन्ग आर्स ऑफ माई job वुड कॉज आर रिलेशनशिप टू विल्ट यानी कि मेरे को चिंता है कि जो ये लॉन्ग आवर्स है मेरी नई जॉब के ये अपने रिलेशनशिप को कमज़ोर बना देंगे सॉफ्ट कर देंगे ओके अपनी मजबूती इनको कम कर देंगे क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा नहीं और अगर टाइम नहीं रहेगा तो आप कम बात कर पाएंगे और आपकी रिलेशनशिप कमज़ोर हो जाएगी अब देखते हैं इसकी वर्क फॉर्म्स विल्ट विल्टेड एंड विल्टेड अब देखते हैं इसकी ट्रिक आइसक्रीम मेल्ट होकर विल्ट हो जाती है तो मेल्ट और विल्ट देखिए दोनों एक जैसे लगते हैं सुनने में तो आइसक्रीम हमेशा क्या होती है मेल्ट होकर क्या हो जाती है विल्ट हो जाती है यानी कि बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है ओके okay, लूज कर जाती है अपने स्ट्रेंथ को तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि आइसक्रीम मेल्ट होके विल्ट हो जाती है तो विल्ट का मतलब क्या हुआ स्ट्रेंथ लूज कर देना बहुत ही सॉफ्ट हो जाना कॉन्स्टेशन ए फीलिंग ऑफ एनजाइटी और डिसमे टिपिकली एट समथिंग अनएक्सपेक्टेड तो किसी को आश्चर्य कर देना व्याकुल हो जाना ओके okay, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाना उसको अपन बोलते हैं कॉन्स्टेशन अब देखते हैं इसके सैनानम्स डिसमे पर्टेशन एनजाइटी या फिर ट्रिपिडेशन और उसके एंटीन से अश्योरेंस या फिर कम्फोश्योर ओके तो यहाँ पर आपको डिसमे फ्रेंड्स ध्यान रखना है ओके कि इसका मतलब भी क्या है आश्चर्य होना और व्याकुल हो जाना अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल द हॉरिफिक नाइट मेर फील द वुमेन विथ कॉन्स्टरनेशन ओके तो यानी कि जो हॉरिफिक बहुत ही बेकार नाइट में एक सपना आया और उस वुमेन को कैसा कर दिया बहुत ही व्याकुल कर दिया अब इसके वर्ब फॉर्म्स देखते हैं कंस्टर्नेट कंस्टर्नेटेड एंड कंस्टर्नेट और इसके रिलेटेड वर्ड है कंस्टर्नेट यानी कि फिल विटी ड्रेड डिस्मे और कन्फ्यूजन नाउ लेट्स सी द ट्रिक पाकिस्तान जैसे नेशन की हालात देखकर सभी कंस्टर्नेशन हो जाते हैं तो देखिए पाकिस्तान के हालात सभी को पता है कैसे है कि आए दिन वहाँ पे बम ब्लास्ट होता है वहाँ भी कुछ दिन पहले वहाँ पे सौ लोग मारे गए बम ब्लास्ट के अंदर एक मस्जिद में अभी कुछ दिन दो तीन दिन पहले नौ लोग मारे गए तो काफी ऐसे बहुत बुरे हालात हैं उस नेशन के तो ऐसे नेशन को देख के बाकी सभी लोग कैसे हो जाते हैं कंस्टर्नेशन हो जाते हैं यानी कि व्याकुल हो जाते हैं चिंतित हो जाते हैं तो देखिए यहाँ पे भी नेशन आ रहा है और यहाँ पे भी नेशन है तो इस तरीके से आप हमेशा के लिए इस मीनिंग को याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे नेशन के हालात देखकर सभी कंस्टर्नेशन हो जाते हैं तो कंस्टर्नेशन का मतलब क्या हुआ आश्चर्य हो जाना व्याकुल हो जाना चिंता हो जाना नाउ लेट्स अनदर वन परक्यूसिट ए बेनिफिट विच वंस enjoys और इट्स entitled टू एन अकाउंट ऑफ one's जॉब और position a privilege गेन और a स्पेशल बेनिफिट अनुलाभ होना अतिरिक्त सुविधाएं मिलना किसी को और अच्छी फैसिलिटीज मिलना किसी पोजीशन की वजह से एडवांटेज मिलना स्पेशल बेनिफिट मिलना इन सभी को अपन बोलते हैं परक्यूसिट अब देखते हैं इसके सेनानम्स पर्क एडवांटेज या फिर डिविडेंट और उसके एंटीनम्स है डिसडवाटेज या फिर लूज नाउलेस द एग्जाम्पल ओवरसाइज्ड मैं रिच ओके यानी कि जो ओवरसाइड बहुत बड़े बड़े जो मैंशन होते हैं और बैंकुट्स होते हैं ये क्या है ये सब क्या है रिचनेस को दिखाती है रिच वाले जो सेक्शन है उसको क्या है ये उसके बेनिफिट्स हैं ओके जो आदमी अमीर है उसके अब देखते हैं इसकी ट्रिक पर क्लिक मेरे साइट पर मुझे पे हो रहा है तो ये मेरे लिए परूसेट है तो देखिये पर पर भी आ रहा है जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप फेसबुक के ऊपर ऐड देते हैं तो वहाँ पे अगर आपको कोई क्लिक मिलेगा तो फेसबुक को पैसा मिलेगा तो ओके आपकी वेबसाइट पे अगर आपको किसी ने क्लिक किया तो फेसबुक को पैसा मिलेगा तो पे पर क्लिक बोलते हैं उसको पे पर क्लिक तो जैसे कि अगर आपकी वेबसाइट पर पे पर क्लिक किया तो क्या होगा ये आपके लिए क्या है परक्यूसेट है यानी कि आपके लिए लाभ है तो देखिए यहाँ पर पर भी आ रहा है और साइट भी आ रहा है तो पर क्लिक मेरी साइट पे मुझे पे हो रहा है तो ये मेरे लिए पर्यूसेट है यानी कि मेरे लिए अनुलाभ है ओके okay, ये मेरे लिए एक्स्ट्रा सुविधाएं हैं जो कि मेरे को एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं तो इस तरीके से आप इसको परक्यूसिट को हमेशा के लिए याद कर सकते हैं कि पर क्लिक मेरे साइड पर मुझे पे हो रहा है तो मेरे लिए परक्यूसिट है यानी कि बेनिफिटेड है देखते हैं अगला डिप्राइविटी मॉरल करप्शन विकेडनेस अनैतिकता या फिर नीचता यानी कि कोई भी चीज जो बहुत बुरी होती है अनैतिक होती है उसको अपन बोलते हैं डिप्राइविटी नाउलेम्स दैट इज वाइज परवर्सन डिवियंस डिजेनरेसी डिग्रेडेशन या फिर इमोरलिटी और उसके गुडनेस या फिर मॉरलिटी या फिर नोबिलिटी नाउले द एग्जाम्पल द जजेस द जज गेव द क्रिमिनल एक्स्ट्रा ईयर फॉर द डिप्राइविटी ऑफ इज ऑफेंसेज ओके यानी कि जज ने उसको कुछ एक्स्ट्रा क्रिमिनल को क्या किया एक्स्ट्रा ईयर दिए किसके वजह से जो उसने अनैतिक काम किया था उसकी वजह से अब देखते हैं इसकी वर्क फॉर्म्स डिप्राइव डिप्राइव्ड एंड डिप्राइव्ड और उसके रिलेटेड वर्ड हैं डिप्राइव यानी कि मेक सम वन इमोरल और विकेड अब देखते हैं इसका ट्रिक कुछ प्राइवेट कंपनी फुल ऑफ डिप्राविटी है तो देखिए प्राइवेट डिप्राविटी दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं तो प्राइवेट और डिप्राइवेट तो कुछ प्राइवेट कंपनी फुल ऑफ डिप्राविटी है यानी कि कैसी है मॉरल करप्शन है यहाँ पे ओके बहुत ज़्यादा अनैतिक है जैसे कि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के कोई राइट्स नहीं है उनके टाइमिंग का कुछ पता नहीं है तो ऐसे अगर कोई चीज़ें हो रही है तो ये क्या हो रही है डिप्राइविटी हो रही है उन एम्प्लॉयज़ के साथ में तो कुछ प्राइवेट कंपनी फुल ऑफ डिप्राइविटी है तो देखिए प्राइवेट और डिप्राइवेट दोनों एक जैसे वर्ड्स हैं इससे मैं इनको रिलेट करके इसका मीनिंग पता कर सकता हूँ कि कुछ प्राइवेट कंपनी फुल ऑफ डिप्राइविटी है तो इसका मतलब मॉरल करप्शन या फिर विकेडनेस देखते हैं अगला कंपाउंड मेक समथिंग बैड वर्स इंटेंसिफाई द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ तो किसी चीज़ को बिगाड़ना खराब कर देना वर्स कर देना उनको अपन बोलते हैं कंपाउंड नाउ नाउन सिनानम्स दैट इज एग्रीवेट वर्सन एक्सरबेट या फिर इंटेंसीफाई और इसका एंटीनम्स हैं एलियवेट इम्प्रूव या फिर मॉलीफाई तो फ्रेंड्स ये बड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट है अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल नॉट वॉन्टिंग टू कंपाउंड माई फादर आई डिसाइडेड नॉट टू गिव हिम माई रिपोर्ट कार्ड तो मैं मेरे फादर की उनको बिगाड़ना नहीं चाहता था ओके वहाँ पर उनके मूड को तो मैंने उनको अपनी रिपोर्ट कार्ड नहीं दी ओके okay, अब देखते हैं इसके फॉर्म्स कंपाउंड कंपाउंडेड एंड कंपाउंडेड और उसके ट्रिक है जमींदार ने कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के किसान की लाइफ कंपाउंड कर दी तो देखिए दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं आपने पढ़े होंगे बचपन में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है जो आपका इंटरेस्ट पहले लग के जो मनी हुआ है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट तो अगर जमींदार ने किसान के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया तो इसकी लाइफ कैसे हो जाएगी बहुत ख़राब हो जाएगी और उसी को अपन क्या बोल रहे हैं कंपाउंड बोल रहे हैं तो जमींदार ने कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के किसान की लाइफ कंपाउंड कर दी यानी कि बिगाड़ दी बहुत ही खराब कर दी वर्स कर दी एग्जोटस ए सिचुएशन इन विच ए लॉट ऑफ पीपल लीव ए प्लेस और एक्टिविटी एट द सेम टाइम अ मास डिपार्चर ऑफ पीपल तो लोगों के बहुत सारे लोगों का एक साथ एक जगह से चले जाना डिपार्चर हो जाना उसको अपन बोलते हैं एग्जॉटस जैसे कि सीरिया में हुआ था नाइजीरिया में हुआ था अगर वहाँ पर कई सारे लोग एक जगह छोड़ के जा रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं एग्जॉर्डर्स इसके से नाम से हजरिया डिपार्चर माइग्रेशन एंड एग्रेशन और इसके एंटी नाम से स्टे अराइवल एंड एंट्रेंस तो ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए नाउ लेट्स द एग्जाम्पल द टाउन इज डाइंग बिकॉज ऑफ द रिसेंट एग्जॉर्डर्स ऑफ टैलेंटेड कॉलेज ग्रेजुएट्स हु हैव लेफ्ट टू फाइंड दियर फॉर्चून्स इन द बिग सिटी ओके okay, यानी कि टाउन कैसा हो रहा है मर रहा है क्योंकि रिसेंटली क्या आप काफी लोग यहाँ से छोड़ के चले गए हैं जो कॉलेज के टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएट्स हैं क्योंकि वो अपनी बड़ी सिटी में अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं अब देखते हैं इसकी ट्रिक दस लोगों का कल कंपनी से एग्जॉडस हुआ तो देखिए दस लोग कल अगर किसी कंपनी से छोड़ के गए तो अपन क्या बोलेंगे कि दस लोगों का कल कंपनी से क्या हुआ एग्जॉडस हुआ तो देखिए यहाँ पे भी दस है यहाँ पे भी दस है तो दस लोग अगर कंपनी छोड़ के जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसको एक्जॉडस यानी कि काफ़ी सारे लोग एक साथ चले गए अब देखते हैं लास्ट वर्ड ऑफ द डे जो है कैप्टिवेटिंग केपल ऑफ अट्रैक्टिंग एंड होल्डिंग इंटरेस्ट चार्मिंग तो जो बहुत आकर्षण होता है जिसको देख के काफ़ी अट्रैक्टिव फील होता है उसको अपन बोलते हैं कैप्टिवेटिंग सिना नाम्स इसके डिलेक्टेबल लवली प्लीजेंट अल्योरिंग चार्मिंग और एंटी नाम्स है अनॉइंग डिप्रेसिंग डिसअपॉइंटिंग डिसगस्टिंग या फिर अपसेटिंग अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल द ऑडियंस सेट स्पेल बाउंड वाइल्ड लिसनिंग टू द साइम कैप्टिवेटिंग स्पीच विथ नो वंस स्टीरिंग फ्रॉम देयर सीट्स यानी कि ऑडियंस कैसे थी इतनी ध्यान से बैठी हुई थी और सुन रही थी साइमन की कैप्टिवेटिंग स्पीच और कोई अपनी सीट से नहीं हिल रहा था अब इसकी वर्क फ्रॉम से कैप्टिवेट कैप्टिवेटेड एंड कैप्टिवेटेड और उसके रिलेटेड वर्ड हैं कैप्टिवेट यानी कि आकर्षित होना या फिर करना अधीन करना अब देखते हैं इसके ट्रिक कैप पहन के कैप्टिवेटिंग लग रहा है तो कैप पहन के कैसा लग रहा है कैप्टिवेटिंग यानी कि बहुत आकर्षक लग रहा है देखिए ये कौन है ऋतिक रोशन ओके तो कैप पहन के कैसे लग रहे हैं आकर्षक लग रहे हैं यानी कि कैप्टिवेटिंग लग रहे हैं तो इस तरीके से अपन कैप और कैप्टिवेटिंग को रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं क्योंकि अगर कोई कैप पहन रहा है तो कैप्टिवेटिंग करने के लिए या फिर कैप्टिवेट लगने के लिए ही पहन रहा है ओके okay, तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं सो so फ्रेंड्स वापस से अपन इन सभी को एक बार रिवाइज करेंगे वी विल रिवाइज वंस अगेन ऑल दिस वो कैप सो दैट यू विल इजीली एबल टू रिमेंबर सो लास्ट ऑफ द डे इज कैप्टिवेटिंग यानी कि आकर्षण एग्जॉटस बहुत सारे लोगों का एक जगह से जाना कंपाउंड मेक समथिंग वर्स डिप्रेविटी मॉरल करप्शन परक्यूसिट यानी कि अ बेनिफिट विच वंस एन्जॉयज कॉन्स्टेशन व्याकुलता आश्चर्यता विल्ट लूज स्ट्रेंथ सॉफ्ट हो जाना कन्फाउंड गलत साबित करना किसी को सरप्राइज देना एंड देवर अटैम्प करना हर चीज़ एंड तक अटैम्प करना ट्राई करना या और सेवेजरी यानी कि क्रूड था ओके सो फ्रेंड्स दीज आर द वो कैप्स ऑफ द टुडे और उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और आप इसे यूज करेंगे और काफी बेनिफिट मिलेगा आपको उससे सो फ्रेंड डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि ट्वेंटी थर्ड फाइफ को क्या पूछा था हमने आइडेंटिफाई द पार्ट विच एज ग्रामेटिकल एरर इन इट तो एवरी वन हु विजिट्स सिंगापुर इज इम्प्रेस बाई इज क्लीननेस विच इज मेनली अ रिजल्ट ऑफ रिग्रेस इंप्लीमेंटेशन ऑफ देर स्ट्रिक्ट लॉज ओके सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने पूछा था इसका आंसर जो है वो सीस का आंसर है जो कि जो कि हंड्रेड परसेंट लोगों ने सही आंसर किया है ओके okay, और यहाँ पर देर की जगह इट्स आएगा सिंगापुर के साथ में इट्स यूज होगा दिस इज द रीजन कि यहाँ पे देर नहीं होगा और इट्स होगा और यहाँ पे काफी लोगों ने इसका आंसर सही किया है ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है सो फ्रेन डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन क्या है आइडेंटिफाई पार्ट विच हैज ग्रामेटिकल एर इन इट तो नायदर ब्रेंडलेन मोर रिसेंट क्रिटिक्स रिटन ऑन शेक्सपियस ट्रेडिडीज है टाइमिंग ऑफ द इवेंट इन ओके okay, और यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शंस हैं और यूनिटी द आंसर वाई कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट द राइट आंसर एंड फ्रेंड्स इफ यू नॉट सब्सक्राइब आर चैनल टी नाउ देन क्लिक ऑन दिस लोगो टू सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल फॉर डेली वीडियोज एंड फॉर डेली न्यूजपेपर एडिटोरियल वो कैप्स एंड क्विस्ट डाउनलोड वो कैप ट्वेंटी फोर एप नाउ एंड इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन डोंट प्रोगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड गिव यर फीडबैक वाई कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपमिंग एग्जाम होप यू लाइक दिस वीडियो